थैंक यू थैंक यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एक्सक्यूज मी. हाँ. योर नेम प्लीज. आरती. ओके. शो मी योर फेस. थैंक यू मैम. हैव अ गुड फ्लाइट मैम. थैंक यू. यू वेलकम. एक्सक्यूज मी. यस. फ्लाइट ऑन शेड्यूल है? ऑन शेड्यूल मैम. ओके. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अरे रे रे. वेलकम सर. कम कम सर प्लीज. ओके. योर बैड लक. योर बोर्डिंग पास प्लीज. ओके शो. टेक इट. योर बोर्डिंग पास सर. ओह गॉड. टेक. स्ट्रेट लेफ्ट सर. ओके थैंक यू. एक्सक्यूज मी. यस सर. आई एम शास्त्री. कनेक्टिंग टू नॉट पीपल. कनेक्टिंग टू बॉयज. रियली? क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नो सर. तब तो मेरे लिए वर्कआउट होगी. टेक द कार्ड. चाहो तो आधी रात को फोन करना. मैं किसी भी लड़के से तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगा. सॉरी सर. आई लव बॉयज बट आई हेट मैरिज. सुन लिया दोस्तों. शादी नहीं करनी है. बच्चे चाहिए. कोई बात नहीं. यहाँ जाओ. ओके. Anybody free? Control. I hope the flight is like fantastic. Excuse me. You are from? I'm from Canada. I'm from Canada. hello. Are you married? Yes, I'm married. Very good. You married. Good for health. Yes, I know. Uh-huh. So I'm going for my fourth marriage. Excuse me. Yes, sir. अभी तक फ्लाइट फ्लाई क्यों नहीं कर रही है? एक पैसेंजर के आने का वेट कर रहे हैं. तो चलो हम चलकर देखें. नो सर, हम ऐसा नहीं कर सकते. ओके. मुझे अर्जेंट अभी कुछ चाहिए. What's up? अब क्या बताऊँ. थोड़ी सी विस्की मिलेगी क्या? श्योर सर. हाँ, और साथ में एक छोटा सा पैक भी ले आना. नो सर, यहाँ अलाउड नहीं है. ओह, यहाँ पर अलाउड नहीं है. मिस्टर अभय, दिस इज द फाइनल कॉल फॉर यू. वी रिक्वेस्ट यू टू कम सून एज फ्लाइट नंबर IC3061 is ready to take off. Eh, क्या है रे ये सब? ये प्लेन है या बस है? सिटी बस है क्या? अभी तक ड्राइवर नहीं आया. अगर ऐसे ही चलेगा तो मैं अगले स्टॉप पे उतर जाऊंगा. छे, अब बकवास फ्लाइट है. Excuse me sir, your drink is here. हाँ, thank you darling. जाओ, जाके एक छोटा सा पैक लेकर आओ. Okay sir. Stupid. Stupid. काली घोड़ी का खुशबू अच्छी नहीं लगी. Mr. Abhay, this is the final call for you. We request you to come soon. I'm sorry. ये देखो आ गया. Straight right. Okay, thank you. Welcome. sorry, auntie. everybody. एक तो late आया है. ऊपर से नाटक तो देखो इसका. Sorry, uncle. अभी क्या रे सबको सारी वारी और पूरी बांट रहा है. एक तो लेट आया है और ऊपर से नाटक कर रहा है. कॉमन सेंस नहीं है क्या? Stupid. मुझे किसी ने मारा क्या? ए, मुझे किसी ने मारा क्या? हेलो. ओके.
Uh-huh. Yeah. Yeah, I'll do that. Sure. Yeah. Thanks. Excuse me. Yeah? Make arrange bouquet for Mr. Abhay and just hand it to him. Okay? Yeah. Okay. Thank you. Excuse me, sir. Congrats. This is for you. Thank you. क्या बात है? जो लेट आया उसी को फूल दे रहे हो? ऐसा करो मेरे कान में फूल डालो। ऐसी बात नहीं है सर, आते वक्त एक अचीवमेंट करके आए हैं। एयरपोर्ट आने को अचीवमेंट समझते हो तुम लोग? पागल हो तुम लोग, चलो जाओ यहाँ से। एक लड़की को बचाने के चक्कर में 2 hours लेट हो गए। तो मेरी परेशानी है क्या? बोलो। हाँ, कंपनी की पूरी बैलेंस शीट रेडी करके मुझे इंटरनेट से मेल कर दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके। हाँ, हेलो हेलो, ये किसकी आवाज आ रही है? छोड़ो मुझे, ए तू इधर खड़ा है, हम लोग किडनैप करने लेकर आ रहे हैं। उधर ही रुकना, इधर भी जाना नहीं। ओके, गाड़ी का नंबर K04602। हाँ हाँ हाँ, आ रहा है, अभी आ रहा है। श्वेता, डरो मत बेटा, मैं आ गया हूं ना बेटी। डैडी, इन्होंने मेरी जान बचाई है। थैंक यू मिस्टर अभय। सर, हमें इस बारे में पता लगाना है, क्या आप इस बारे में डिटेल्स देंगे मुझे? सॉरी सर, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है। सर, ज्यादा देर नहीं लगेगी। नो क्वेश्चन अभय, टेक माई कार एंड गो टू एयरपोर्ट। Thank you, sir. It's okay. Yeah, come on.
Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Please take your seat, sir. Yeah. हेलो एक्सक्यूज मी, बिना परमिशन के आपने मेरी फोटो कैसे ली? खूबसूरत ताजमहल और खूबसूरत लड़की की फोटो निकालना कोई गलत बात नहीं है, ऐसा मेरी माँ ने कहा है। हे माँ, अभी अभी मैंने खूबसूरत लड़की देखी है। हाँ, और जैसी लड़की तुम चाहती हो ना, ये बिल्कुल वैसी है। सेम टू सेम है माँ, सेम टू सेम। हाँ, she is beautiful and cute माँ। हे, वो लड़की मेरे बिल्कुल बगल में है। हाँ हाँ, और उसका फोटो मैं आपको ना अभी अपने मोबाइल से MMS करता हूँ, आप देखो और मुझे ठीक से सोच कर बताओ। ओके, लव यू माँ। इंडिया से मेरी मदर थी। फ्लाइट आने में वैसे अभी और 10 घंटे बाकी है, तो मैं क्या करूं? तो चलो ना साथ में कहीं घूम कर आते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं साथ चलूं क्या? काश महेश के साथ चल रहा होता और ये पीछे चल रहा होता तो कितना मजा आता। यार ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इस शहर में लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं ना? लेकिन आप क्यों गुस्सा हो रही है? आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। क्या बात करूं? हाँ, कभी आप मिस यूनिवर्स कंपटीशन में गई हैं? प्लीज नो जोक्स। अरे मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। आप जाओगे ना, फर्स्ट प्राइज आपको ही मिलेगा। मदर प्रॉमिस। क्यों बेटे, लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इस शहर में मैं पहली बार सफर कर रहा हूँ। और मैं सिटी में पढ़ती हूँ। क्यों, इंडिया में कोई कॉलेज नहीं मिला था क्या? ओके ओके, मैं बस यूं ही इंक्वायरी कर रहा था। मैं काम के सिलसिले में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। क्या काम, तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? इंडिया में कोई अच्छा लड़का देखो, उससे शादी करके सेटल हो जाओ। मेरा मतलब इंडिया में मेरे जैसा कोई लड़का तलाशो जो स्मार्ट हो, हैंडसम हो, उसके साथ शादी कर लो और फिर अपनी लाइफ सेटल कर लो। मतलब तुम अच्छे लड़के हो? तुम्हारे सिर की कसम, प्रॉमिस आई एम अ वेरी गुड बॉय। अच्छा काम करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फॉरेन कंपनी को हैंडल करता हूँ। क्यों, इंडिया में कोई अच्छी कंपनी नहीं है क्या? मेरे बिल्ले मुझसे मैं, तुम कुछ भी बोलो, हाँ लड़की बोलो तो तुम्हारी तरह शार्प होनी चाहिए। इसीलिए मेरे जैसी शार्प लड़की से बच के रहो, रिलेशन मत बढ़ाओ। माँ, इससे अच्छी लड़की तो मैं ढूंढ ही नहीं सकता, ये तेरे घर की बहू जरूर बनेगी। मम्मी, हेलो, कैसी हो बेटी? आप लोग कैसे हैं मम्मी? मैं अभी स्विट्जरलैंड पहुंची हूँ, बस थोड़ी ही देर में एम्स्टर्डम पहुंच जाऊंगी। आप लोग कहाँ हैं?
हम लोग महाराष्ट्र के बॉर्डर में हैं। एक मिनट अपने पापा से बात कर ले। हेलो आरती। पापा। बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर देना बेटा। प्लीज पापा ऐसा मत कहिए, जो हो गया उसे भूल जाइए। लेकिन मुझे डर लग रहा है बेटी, पता नहीं वो लोग हम लोगों का क्या हाल करेंगे। पापा आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, दुनिया बहुत बड़ी है, वो लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन हम लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। वो साला लोग किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। मुझे डर था, मुझे डर था। बता, मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ। पता कहाँ है, पता कहाँ है वो लोग? पता नहीं मालूम। पता कहाँ है वो, वरना जान से मार दूंगा। भाई बस एक मिनट, मैं इससे बात करता हूँ। ए भाई उठ जाओ, उठ जाओ। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बता बता मेरी डार्लिंग कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। ऐसा मत बोल, वो कहाँ है बता ना, तुझे मालूम है? देख तू मेरा दिमाग मत खराब कर। मुझे कुछ नहीं मालूम। वो लोग तेरे घर पे भाड़े पे रहते थे, वो लोग कहाँ है मुझे बता। सुबह वो लोग घर का ले, बता दे सीधे। लेकिन कहाँ गए मुझे? अरे बोल ना किधर है, चल मुझे कुछ नहीं मालूम। बता किधर है, कहाँ गए मुझे नहीं मालूम। बता किधर गए, मैं नहीं जानता। बता किधर गए, बता किधर गए। पांडू रुक जाओ, पांडू। भैया मुझे आरती चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे आरती चाहिए, मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। फिकर मत कर तू, तो टेंशन मत ले, वो कहीं भी छुपी होगी, हम उसे ढूंढ कर ले आएंगे। दुनिया बहुत छोटी है, वो कहां जाकर छुपेगी? फिकर मत कर, तेरी शादी आरती के साथ ही होगी। पांडू मैंने तेरी शादी का जो मुहूर्त तय किया है, तो उसे फिक्स तारीख को आरती के गले में दो मंगलसूत्र डालेगा। पांडू यहाँ पर खड़े लोग इस बात के गवाह हैं। आने वाले चार दिनों में आरती को तेरे सामने इसी जगह लाकर खड़ा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आरती। हाँ कहाँ जा रही हो? अरे ए आरती, आरती आरती आरती, इनमें से किसी एक उंगली को छू। नहीं छूंगी। क्यों? तुम्हें कुछ डर लग रहा है क्या कि मेरी उंगली पकड़ने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करके जिंदगी भर रहना पड़ेगा? डरने की जरूरत नहीं है, छुओ। क्या पागलपन है ये? नहीं लव है। वो कब से? तुम्हें देखा तब से। दो घंटे के सफर में तुम्हें मुझसे प्यार भी हो गया, ये पागलपन नहीं है? मैं तुमसे दो घंटे पहले से प्यार कर रहा हूँ, ये तुम कैसे कह सकती हो? तो फिर मैं तुम्हें 10 साल से प्यार करता हूँ। जब मैं 10 साल का था मेरी मूछें भी नहीं आई थी, तब से मैं उस लड़की के बारे में सोचता हूँ कि मेरी जिस लड़की से शादी होगी वो कैसी होगी। मैं खाते वक्त, पीते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, हर पल मैं उस ड्रीम गर्ल के बारे में सोचता था कि वो ऐसी ही होनी चाहिए, और वो सारे के सारे गुण, सारी की सारी खूबसूरती बिल्कुल तुमसे मैच करती है। मेरा प्यार 10 साल की उम्र से शुरू हुआ है, पिछले 2 घंटे पहले नहीं, अंडरस्टैंड? ऐसा कहने के लिए तुम्हारी माँ ने कहा था क्या? या। तुम्हें जिंदगी भर अकल नहीं आएगी। ए आरती, 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 आरती रुको ना, आरती, आरती भाग क्यों रही हो प्लीज? अरे रुक जाओ ना। ए आरती मेरी बात तो सुनो यार। आरती अरे रुक, excuse me, can you please take my seat there? Thank you. I should thank you. This man, bad smell. You be careful, okay? Hey, 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 काली घोड़ी, bad smell बोल के जा रही है? आयो, आयो, excuse me. Yes, sir. Can I have a paper and a pen? Sure. Chop it, chop it. Jam on it. Chop it, chop it. Jam on it.
Excuse me. Yes? This for you. You are too late. I am busy. Hmm? It's not like that, sir. Huh? That man has sent it to you, this. Hey, Dabba Shastri. तू सबकी शादियां करा कर देता है लेकिन तेरी शादी मैं कराऊंगा, वो भी जो मेरे बगल में बैठी है उससे। अभी तो मेरे बारे में जानता नहीं है मैं क्या चीज हूँ। तेरे बैग में ड्रग्स डालकर तुझे अरेस्ट करवा दूंगा और तुझे परमानेंटली जेल भिजवा दूंगा, समझा क्या? मेरे तीन गिनने तक तू उठ जा यहाँ से। चल उठ जा। सिर्फ आदमी लगता है, तू जैसा बोल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। हाय। ब्रह्मा सबका नसीब कलम से लिखता है, मेरा नसीब पूछो ही मत। जरा हाथ दे, यहाँ रख। एक्सक्यूज मी, हैम्स्टरडम जाने के लिए करीब 6 घंटे तो और लगेंगे ही ना? मुझे मालूम है वो, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। वो मुझे भी मालूम है, तुम बड़ी लड़की हो, खूबसूरत हो, इसलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। पता नहीं मैं तुमसे बात ही क्यों करती हूँ, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट है। आरती जी, आरती जी, क्या है? इन दो उंगलियों में से एक पकड़ो ना। किस लिए? हम दोनों की शादी पक्की होगी या नहीं ये डिसाइड करने के लिए, पकड़ो ना प्लीज। सक्सेस, अभय लव सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, मेरा लव सक्सेस हो गया। थैंक्स अ लॉट आरती जी। आप समझी नहीं क्या? अगर आपने एक भी उंगली पकड़ी होती तो मैं समझता शादी नहीं होगी, लेकिन आपने तो एक भी उंगली नहीं पकड़ी, इसका मतलब ये हुआ कि शादी होगी। इसका मतलब लव सक्सेस हो गया भाई, लव सक्सेस। यू माय लव इज सक्सेस, मेरा लव सक्सेस हो गया। थैंक्स अ लॉट शास्त्री भाई, थैंक्स अ लॉट, तेरी वजह से मेरा लव सक्सेस हो गया। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। आखिरकार हम लोग फिर मिल ही गए। बोलो क्या? ये कोई मामूली आंखें नहीं है, इन आंखों में मेरा पूरा फ्यूचर बसा हुआ है। अच्छा सुनो, मेरी आंखों में देखकर बताओ मेरा फ्यूचर क्या है। I'm sorry. ऐसा मत बोलो यार, मेरा प्यार अमर है। हाँ प्लीज आरती, देखो इसीलिए तो हम लोग ऊपर हवा में मिले थे ना, ये नीचे क्या है? ये सब ऊपर वाले ने फोन करके बताया तुम्हें। यो बेबे, तो तुम्हें लग रहा है कि ऊपर वाला हमें फिर मिला देगा? करेक्ट, अगर मेरा प्यार पवित्र है तो आने वाले आधे घंटे में तुम वापस मुझसे टकराओगी। That's impossible. Hey, negative words मेरे कान में सुनाई नहीं देते हैं, सिर्फ positive words, हाँ? Because my love is great. Hello friend. मुझे लेटर देकर ब्लैकमेल करके मुझे उठा के खुद बैठ गया। इतने बड़े शहर में आने वाले आधे घंटे में तू उससे मिल भी पाएगा क्या? मैं क्या तेरी तरह बेवकूफ हूँ? मैं ये क्या है? पासपोर्ट। ये मेरा नहीं है। फ्लाइट में ढाप लिया। मैडम क्या हुआ? पासपोर्ट कहाँ है आपका? पासपोर्ट? हाँ आपका पासपोर्ट वो लड़का ले गया। मेरा पासपोर्ट? हाँ। ओह माय गॉड, चलो मेरे साथ। मैडम चलो, यही कहीं तो था। पर था, कहाँ चला गया वो? अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर वो दिख गया ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो चलो। कहाँ चला गया? मिल गया ना तो छोड़ूंगी नहीं। छोड़ना मत उसको। ऐसा लग रहा है मुझे ही ढूंढ रहे हो। मेरा पासपोर्ट दो। हाँ पासपोर्ट है। कहाँ है? हाँ मांगो इसे। आपका पासपोर्ट मैं कहाँ से दूंगा? देखो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, पासपोर्ट दो। आरती
देखो अगर तुम्हें मुझसे आकर मिलना है तो सीधे आकर मिलो ना, ये बेकार के बहानेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट। पासपोर्ट दोगे कि नहीं? शास्त्री इसका पासपोर्ट दे। मैं कहां से पासपोर्ट दूं? चुपचाप पासपोर्ट दे यार इसका। मेरे पास नहीं है राजा। ये क्या है? कैसी रही शास्त्री? लड़की चली गई तो क्या हुआ, मैं कोई और देख लूंगा। मैं तेरे के हाथ जोड़ता हूँ मेरे बाप। ए शास्त्री। यस। ये लो, ये तेरा पासपोर्ट है, संभाल के रखना। देखने में तो तू इंसान ही लगता है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ज्योति, ज्योति। हाँ, I'm coming. हाँ। Hi, आरती। Hi. How are you? I'm fine. Welcome to Switzerland. Thank Come, you. Come, sit. So, how was your journey? It was good. अच्छा बताओ, घर में सब कैसे हैं? कुछ मत पूछ। अब क्यों रो रही है? यहाँ पहुँच गई है ना? तुझे यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होगी तुझे छेड़ने के लिए। Yes, आरती. We are there for you. Thank you, ज्योति। Hey, it's okay. ये सब भूलकर तू कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ ले, और कुछ दिन गुजर जाने के बाद आंटी अंकल को भी यहाँ बुला लेना, और कोई अच्छा सा लड़का देखकर यही शादी कर लेना। It's a wonderful idea, आरती. I will search a very very nice boy for you, okay? आरती, एक बात तो बताना भूल ही गई, अंकल का फोन आया था, वो अभी भी पुणे में है। तेरे पापा बहुत उदास लग रहे थे, मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की। अपने आप को संभालो आरती, देखना सब ठीक हो जाएगा। मत रो आरती, प्लीज चुप हो जा, प्लीज आरती। वो लोग इंसान नहीं, हैवान थे। इतना सब कुछ हो गया, वो भी पुलिस के सामने। ये तो रॉन्ग शो है। मुझे रॉन्ग शो पसंद है। ये क्या बैड स्मेल आ रही है? हाँ, लगता है पुलिस आ रही है। यू आर अंडर अरेस्ट। चल निकल। ए, चल उठ। जब तक हमारा खेल खत्म नहीं होता हम लोग उठते नहीं। ये सब मेरे होते हुए नहीं चलेगा। कल इसने एक लड़की का रेप करके उसे जान से मार डाला। चले खड़ा हो। ए, मैं बोलता हूँ खड़ा हो। नहीं पापा, नहीं, नहीं नहीं। तूने मेरे बच्चों को पकड़ा तो क्या मैं इसे छोड़ दूंगा? तू मुझे मार देगा तब भी इसे नहीं छोड़ूंगा। ए चल। इंस्पेक्टर सुंदरा, ये देखो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसको नहीं है। इसकी एक ही इच्छा है, ये और कुछ नहीं चाहता, बस एक अच्छी लड़की से ये शादी करना चाहता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। ए सुंदरा, इन दोनों को अंदर कमरे में ले जाकर इनके साथ शादी कर लो। भागता किधर है? मुझे अरेस्ट नहीं करेगा क्या? छोड़ूंगा, तुझे भी छोड़ दूंगा, अपनी नौकरी भी छोड़ दूंगा। जिस हाथ से तुम क्या चाहते हो वो मैं करूंगा। मेरे भाई का कॉलर पकड़ा था, वो हाथ चाहिए मुझे। वो हाथ काट कर अपने बीवी बच्चों को ले जा, काट कर दे मुझे। अपने हाथ। मत काटो, मत काटो, काट के दे।
कौन? इसकी वाइफ काटेगी। आओ आओ मैडम, अरे काटो ना। नहीं, नहीं, नहीं। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो ये तेरी लड़की के साथ सुहागरात मना लेगा। आ पद्मा, आ जल्दी से काट। काटो ना जल्दी। आ पद्मा, काटो ले। जल्दी काट। जल्दी काटो, जल्दी काटो, जल्दी काटो। मैं नहीं काटूंगी। सुंदरा। पापा। आ पद्मा काट, जल्दी काट। मैं नहीं काट सकती। काट पद्मा। नहीं। काट, काट दे। पापा, पापा। काटो। काटो। रुको। काट दे। काट। जल्दी काट। काट पत्ता। चल जल्दी काट दे। काट। पापा। पापा। देखा तुमने बेंगलोर एयरपोर्ट पे? मिस्टर विलियम? यस। आई एम अभय, आरती इज लवर। ओह, आरती इज लवर। या, वेरी वेरी नाइस मीटिंग यू मिस्टर अभय। व्हाई आर यू स्टिल देयर? कम इनसाइड। थैंक यू। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आरती, 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 लुक हु इज हियर। यहां पे कब से? बस कुछ दिन। ओह माय। हेलो, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? पहले तो अच्छा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद पूरा खराब हो गया। आरती, टेंशन क्यों ले रही है? टेक इट इजी, रिलैक्स। अरे प्यार में तो छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है। इन सब बातों को एडजस्ट करना ही चाहिए। साथ ही साथ ये हमारे गेस्ट भी हैं। वी हैव टू बिहेव आवरसेल्फ, ओके? मिस्टर अभय, प्लीज डोंट माइंड। ओके। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? कॉफी और समथिंग कोल्ड? आहा, कुछ सीखो इनसे। घर आए मेहमान का किस तरह से स्वागत करना चाहिए। सर, मुझे कॉफी नहीं चाहिए, एक अदरक वाली चाय ला दीजिए। ओके फाइन, आई विल गेट इट फॉर यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। अगर तुम साथ चलोगी तो मैं भी बाहर आऊंगा। मैं नहीं जाने वाली। तो फिर मैं कौन सा जाने वाला? क्या हूँ आरती, टेंशन क्यों ले रही है? ये पहुँच तो गया है। मैं अभय, आरती का लवर। ये क्या, इस बार मुझे बताया तक नहीं? नहीं, ये ज्योति सिस्टर, ये बचपन से ऐसी ही है क्या? आपको यहाँ पर किसने बुलाया? आरती ने बुलाया। मैंने बुलाया? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? क्या तुम भी आरती, बुलाने के बाद भी बोलती हो कि नहीं बुलाया? तुमने बोला था ना कि मेरी एक ज्योति नाम की फ्रेंड है, सुंदर है, गोरी सी है, फॉरेन में जाकर सेटल हो गई है। हा? एक अच्छा आदमी का उसने हाथ थाम लिया। जेंटलमैन। यस विलियम, प्लीज रिपीट द लाइन अगेन। यही कि तुम कितने अच्छे हो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। प्लीज लव मी। तुम आखिर चाहते क्या हो? आधे घंटे की मुलाकात चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं? फिलहाल तो मुझे यही काम है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं भी बहुत ही टेंशन में हूँ, तुमसे एक बार पर्सनली बात करना चाहता हूँ। एक ही बार ना? यस। Yes. फिर दोबारा परेशान तो नहीं करोगे? सच में कभी नहीं करूँगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। घर पर मैंने तुमसे प्रॉमिस क्यों किया था पता है? तुम मुझे फिर कभी भी परेशान नहीं करोगे इसीलिए। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से टच करना था इसलिए। लेकिन वो प्रॉमिस? वो सब झूठ था। झूठ बोलना पाप होता है। प्यार के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, ऐसा माँ कहती है। माँ, 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 तुम्हारी माँ से मुझे बात करनी है। अब भी करवाता हूँ। चा, 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 चा,
स्विच ऑफ। अभी तो हम अब्रॉड में हैं और वो इंडिया में है, यहाँ दिन है वहाँ रात है। वैसे भी कल हम ब्रेकफास्ट पर तो मिलेंगे ना, तब बात कर लेना। ब्रेकफास्ट पर? कल वैसे भी तुम्हें लॉरेंस के ऑफिस में इंटरव्यू देने जाना है, तो ब्रेकफास्ट करके साथ में चले जाएंगे ना। कल मेरा इंटरव्यू है, ये तुम्हें किसने बताया? विलियम ने बताया। विलियम को तुम पहले से जानते हो क्या? जानता नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए करना पड़ा। लेकिन कैसे? तुम्हारे घर का जैसे एड्रेस ढूंढा वैसे ही। लेकिन तुम्हें विलियम के घर का एड्रेस कैसे पता चला? मैं सोचता था कि शास्त्री को ही दिमाग नहीं है, लेकिन तुम्हें भी नहीं है। वो इमिग्रेशन फॉर्म पर रेफरेंस में जो एड्रेस भरा था उसके जरिए पता चला। तुम बहुत ही शातिर हो। हाँ आरती, ए आरती। Want any help? No, thanks. Hey! Give me the pass. Give me the pass. Give me the pass. Give me the pass. Very good. Oh, nice. Indians are very sexy. Come, hey! हेलो गाइस, हाय, आई एम अभय। ऑफ कोर्स इंडियन गर्ल्स आर सेक्सी, बट इंडियन बॉयज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। रहने दो, इतना रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मान जाओ, सेप्टिक हो जाएगा। ए, सेप्टिक होगा तो फिर भी चलेगा। अरे माँ, ये लड़कियां बिल्कुल अजीब होती है ना। हाथ पर लगा जख्म देखकर बोलती है सेप्टिक हो जाएगा, और जो जख्म दिल पर लगा है उसके सेप्टिक का क्या होगा। नो, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। क्या माँ? हाँ ठीक है माँ, ओके माँ, ओके ओके। सुनो, मेरी माँ ने मुझे सीरियसली कहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करूँ, तुम्हारा पीछा नहीं करूँ, इसलिए मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूँगा। बाय।
अरे माँ, जैसी लड़की तूने सोची थी बिल्कुल वैसी लड़की मैंने अभी अभी फ्लाइट में देखी है। वही आंखें, वही चेहरा, उसमें तो मेरा फ्यूचर छुपा हुआ है। वैसे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। मेरा फोन आया, मैं बात करूंगा। ओके बाय बाय। हेलो। हेलो अभय। हाँ कौन? मैं आरती बात कर रही हूँ। क्या बात है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सॉरी आरती, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज अभय, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, कहाँ मिलना है बताओ। हाय। क्या लोगी आरती? एक्चुअली मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। दहेज के बारे में? नहीं नहीं, मुझे दहेज में जेवरात वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया और मुझे दे दिया, काफी हो गया। अगर कुछ देना ही चाहो तो एक छोटी सी कार और एक छोटा सा फार्म हाउस, बस मुझे काफी है। प्लीज अभय, अब मजाक मत करो। ओ सीरियस है? ओके। एक्चुअली मैं एम्स्टर्डम से भाग कर आई हूँ। अपने माँ बाप को उस नरक में छोड़कर आ गई मैं। मेरे पापा प्रोफेसर है, हम लोग पूना में रहते थे। मेरे पिता का कर्नाटक में ट्रांसफर हो गया। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव चली गई। मेरी शादी के लिए पापा परेशान रहने लगे और उसी दौरान ऐसा हुआ कि मेरी फोटो एमएलए के भाई के हाथ लग गई। उसने मुझे पसंद कर लिया और रिश्ते के लिए वो मुझे देखने मेरे घर आ गए। मेरा नाम नरसिम्हा है। नमस्कार। ये दोनों मेरे भाई हैं। नमस्ते। और मेरे भाई पांडु ने आपकी बेटी को देखा और जीत कर बैठा है कि उसी से शादी करेगा। अब अगर उसकी जिद है तो शादी करनी ही पड़ेगी। आज बहुत ही शुभ दिन है, शगुन का लेन देन कर लेते हैं। अंकल को देखकर लगता है ये गहरी सोच में पड़ गए। ये इस गांव में नए हैं। हमारे बारे में जानते नहीं, इसलिए शगुन के लेन देन करने के बारे में थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा ना। अरे ऐसी बात नहीं, मुझे सब पता है। अगर मैं भी आपकी जगह पर होता तो आज मुझे भी ये सब सोचना पड़ता। चलिए हमारे साथ। कहाँ पर? हमारे बारे में आपको जानना है तो चलना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अब तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, हमारे बारे में सब कुछ जानना ही पड़ेगा, और सब कुछ जानने के बाद शगुन का लेन देन करेंगे। फिर तो तुम्हारे पापा आइस की तरह पिघल गए होंगे। मेरी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। अच्छा, तो मामला यहाँ तक आ पहुँचा है। एक्सक्यूज मी सर, ये स्पेशल कॉफी। टुडे इज एवरीथिंग स्पेशल। मर्सी। ओके, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं ये भी डाउट क्लियर कर दो। मैं तुमसे सीरियसली बात कर रही हूँ और तुम हर बात का मजाक बना रहे हो। इस कॉफी से ज्यादा मेरा पेट जल रहा है। जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो मुझे शौक पर शौक दिए जा रही है और मैं सीरियसली सुनता बैठूं। ओके ओके ओके, आगे क्या हुआ बताओ। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है। शादी के कुछ दिन पहले वो लोग मेरे घर आकर बोले कि हमारे घर पे फंक्शन है, और फिर मेरे मम्मी पापा को फोर्स करके वो मुझे भी साथ में ले गए। स्टूपिड रास्कल, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती मुझसे बदतमीजी कर रहा है? मुंह क्या देख रहा है? चल दफा हो यहाँ से। मैं दफा हो जाऊँ? देख अभी मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। छोड़ दे, छोड़ मुझे कमीने, छोड़ दे। क्या समझ रखा है तूने? मुझ पर हाथ उठाती है, अभी बताता हूँ मैं कौन। चल। Ha ha ha!
में पहली बार डर के मारे कांप उठी थी मैं। क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसी शौक के साथ अपने घर पहुंची और अपने पापा को सारी बात बता दी। मेरे पापा ने तुरंत उन्हें फोन किया और उन्हें कह दिया कि ये रिश्ता उन्हें मंजूर नहीं। ये सुनकर वो लोग चुप हो गए क्या? नहीं, वो लोग जबरदस्ती मेरे मम्मी पापा को उठा कर ले गए। कहाँ ले गए? देखो, जनता की आंखों में देखो, यहाँ पर खड़ी जनता की आंखों में देखो और बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? भक्ति नजर आ रही है क्या? भक्ति नहीं है ये, डर है। चुपचाप खड़ी रह। शगुन लेने देने के बाद भी तूने रिश्ते के लिए मना कर दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा? और वैसे भी तूने हमें आखिर समझ क्या रखा है? प्रोफेसर है ना, तुझे ये सबक जिंदगी भर याद रहेगा। ये शादी होकर रहेगी और जरूर होगी। कोई बीच में आया तो उसकी जान ले लूंगा मैं। और पांडु, मुझ पर जान छिड़कता था इसलिए उसके भाइयों ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। वो लोग शादी की तैयारियों में जुट गए और हम लोग भी उनकी बातें मानते रहे क्योंकि हम जान गए थे कि हमारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं। बाद में गांव छोड़कर आ गई। तुम तो गांव छोड़कर आ गई लेकिन तुम्हारी मम्मी पापा? वो लोग पूना चले गए। लवली, फैंटास्टिक माहौल है ये। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुझे पागलों की तरह प्यार किया। तुम्हारा फ्लैशबैक सुनकर तो मेरी हालत खराब हो गई। उस दिन मैं तुम्हारे लिए चार लोगों से लड़ा तो तुमने क्या मुझे सुपरमैन समझ लिया है क्या? मैं तेरे लिए उन शैतानों से बिल्कुल नहीं लड़ सकता और वैसे भी ना ही मैं रामचंद्र हूँ और ना ही तू मेरी सीता है। अगर मैंने तुझसे शादी कर ली तो वो लोग मेरे बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके गटर में डाल देंगे। ये नहीं वो नहीं, तुमने अपना फ्लैशबैक बताकर बहुत ही अच्छा किया है। इतना सब सुनने के बाद तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालना कुएं में कूदने के बराबर हो जाता है। अगर जान सलामत रही तो जिंदगी में कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी करके सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हें और तुम्हारे प्यार को बहुत बड़ा नमस्कार। कौन है आप लोग? कौन है आप? ऊपर देख, ऊपर। ठीक है भाई। Hey, what's happening here? Hey, who the hell are you? आरती कहाँ है? Hey, आरती कहाँ है? Hey, बोल आरती कहाँ है? बता। छोड़ो हमें। क्या कर रहे हो? तेरी जान ले लूँगा। छोड़ो। कहाँ भाग गई थी तू? छोड़ो, छोड़ो मुझे। आरती,
थैंक यू वेरी मच, तुम मेरे बहुत काम आए। वैसे तुम्हारा नाम? अभय। जब भी इंडिया आओ मुझसे जरूर मिलना। डेफिनेटली। ठीक है। तुम्हारी वजह से कितना टेंशन हो गया था मुझे। अरे मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी। तुम्हें कितना प्यार करता हूँ आरती, मुझे समझो। देखो आरती, आज के बाद ऐसा तो कभी नहीं करोगी ना आरती। देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, अरे मुझे समझो आरती। पांडो, भाई अगर इसे बस में रखना है तो इसके अंदर हमारा डर होना बहुत जरूरी है। अरे भाई, भाई क्या करें? जैसे तुझे ढूंढ निकाला वैसे ही तेरे माँ बाप को भी ढूंढ निकाला। ये खबर मुझे मिली कि तेरे माँ बाप पुणे में रहते हैं, ये अभय ने बताया। अब तेरे माँ बाप की जिंदगी तेरे हाथ में है, अब तो चुपचाप बिना नाटक किए पांडू से शादी कर ले। अगर कोई होशियारी की तो उन दोनों को खत्म करना पड़ेगा। ए, इसे घर की बहू किस तरह बनकर रहना है कल तक सिखाओ इसको। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम दोनों को काट कर पांडू की शादी की मुहूर्त में मैं किसी और औरत से शादी कर लूंगा, इस बात का ख्याल रखना। समझ गई? चलो रे। भाई क्या है? कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेजो उसको। नहीं मालूम भाई। वैसे उस काम का क्या हुआ? सब कुछ हो चुका है भाई, काफी टाइम हो चुका है। नमस्कार सर। अभय, अभय कैसे हो तुम? तुम ठीक हो ना अभय? अच्छा सर। ए पांडू, क्या देख रहा है तू? अरे वही है, जब हम आरती को लेने गए थे तो इसने हमारी बहुत मदद की थी। अरे यही है वो। ये अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी आरती मिल गई। ओके ओके ठीक है। क्या लुक है, क्या बॉडी है, क्या पर्सनालिटी है। ऐसी बॉडी, ऐसा लुक और ऐसी पर्सनालिटी देखकर उस लड़के ने आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया, वो तो पागल है। रियली शी इज मैड यार। वैसे ये बताओ तुम इतनी दूर आए कैसे, पैसों की जरूरत पड़ी क्या? अरे बॉडी क्यों दिखा रहे हो? सर आपके भाई के बॉडी की तरह ही आपकी बॉडी है, लेकिन जरा मेरी बॉडी भी तो देखो ना। देखिए सर, देख लीजिए ना सर, सिक्स पैक कट वाली बॉडी को
फैमिली पैक बॉडी बना के रख दिया, मैं क्या करूं सर? कौन दूसरा? और कोई नहीं, और कोई नहीं हो सकता सर, आरती का लवर सर, आरती का लवर। आरती का लवर भी है? ये तो मुझे भी मालूम नहीं था सर, लेकिन जब मैंने आपको उसका एड्रेस दे दिया तो उसने मुझे बहुत मारा। मैं आपको क्या बताऊं सर, उसने मेरी पूरी हालत कर डाली। उसने मुझे सिर्फ मारा ही नहीं सर, बल्कि मुझे इंडिया का टिकट दिलवाकर 10,000 रुपए साथ में देकर आप लोगों से ये खास बात बोलने के लिए कहा है। क्या बोलने के लिए कहा है? आरती की शादी आपके भाई के साथ नहीं हो सकती है। क्या बोल रहा है? ऐसा उसने बोला है सर, और उसने ऐसा भी कहा है कि आरती और पांडू की जब शादी होगी तब वो उससे शादी करेगा। ऐसा मैं नहीं सर, वो बोला। तुम लोग आरती को डरा कर धमका कर उठा कर तो ले आ गए, लेकिन मैं उसे यहाँ से तुम लोगों की नजरों के सामने से यहाँ से उठा कर लेके जाऊंगा। उसको मैं काट कर रख दूंगा। छोड़िए सर, मेरा बनियान तो छोड़िए, और भी बोलना बहुत बाकी है सर। उसने बोला कि आपने आरती को जितनी तकलीफ दी है उतनी मैं पूरी आपको दूंगा सर। बस इतना ही बोलना बाकी था सर। वो तो मैं इमोशनली बहुत ज्यादा ही बोल गया था सर। नाम क्या उसका? नाम तो मुझे नहीं पता सर। देखने में कैसा है वो? हाँ, मेरी हाइट, मेरा लुक, मेरी पर्सनालिटी, सेम फिजिक है सर, लेकिन वो मुझसे भी स्ट्रांग है सर। क्या तुम उसे पहचान सकते हो? क्या सर, मैं उसे मार खा चुका हूँ, उसकी सारी बातें आपको मैंने बता दी, और फिर भी आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि क्या तुम उसको ठीक से पहचान सकते हो? क्या आप मुझे उसके सामने तो लेकर जाओ, उसका फेस कट तो मेरे दिमाग में जेरोक्स की तरह छप गया। चले क्या? कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। क्यों सर? उसको वहीं पर काट डालेंगे। सर जब उसने बोला है कि वो यहाँ आकर आप लोगों को मारेगा, तो फिर क्यों आप लोग खर्चा करके उधर जाके उसकी मार खाने की सोच रहे हो यार? हाँ, वैसे ये बात ठीक है सर, लेकिन उस लड़की की सिक्योरिटी ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि वो लड़का उसी के लिए आ रहा है सर। उसे बहुत बंदोबस्त के साथ एक बंद कमरे में रखा गया है, अगर वो कमरे में खांसेगी भी तो उसके खांसने की आवाज बाहर नहीं जाएगी। क्या सर, इतनी स्मार्ट लड़की है तो उसे आपको बाहर घूमने देना चाहिए, और आप उसे रूम में बंद करने की बात कर रहे हैं। इस पांडू को देखते उसका खून खोलने लगता है। अब मैं आ गया हूं ना सर, अब आप फिक्र करना छोड़ दीजिए। मतलब सर, वो लड़की तो पांडू के पीछे कुत्ते की तरह घूमनी चाहिए। आप देखिए सर, वैसे आरती है कहाँ पे? ऊपर। मैं जरा ऊपर सिक्योरिटी चेक करके आ सकता हूँ क्या? जाओ, जल्दी जाओ। देखा कितना अच्छा लगा। चलो चलते हैं यहाँ से। बकवास मत करो, प्यार का यकीन दिला के तुम मुझे यहाँ पहुँचा दोगे? मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आखिर ये ढोंग मेरे साथ क्यों किया? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कोई भी ढोंग नहीं कर रहा हूँ, तुम अब तक कुछ नहीं जानती। तुमने तो सब कुछ बता दिया, क्या मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताऊं? यहां सामने देखो, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये कौन है पता है तुम्हें? ये मेरी माँ है। जब मेरे पापा के एक्सीडेंट में मौत हुई थी तब मेरी माँ ने मुझे पाला था। मेरी माँ ने एज ए लॉयर बहुत सारे केसेस हैंडल किए थे, उसने हमेशा इंसाफ को ऊंचा रखा, काफी सारे लोगों को इंसाफ भी दिलाया। मेरी माँ तो सभी को बहुत पसंद थी, और भगवान को भी, इसलिए भगवान ने उसे बहुत जल्दी ऊपर बुला लिया। बारह साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, तब मैं उसका हाथ पकड़कर बोल रहा था, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ ने दम तोड़ते हुए मुझसे कहा, डर को तुझे देखकर डर लगना चाहिए, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम अभय रखा। जिंदगी बहुत ही छोटी है, इसलिए जब तक जियो हिम्मत से जियो, न्याय से जियो। उस दिन से वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई। उसके बाद जब भी कोई शख्स डर लेकर मेरे सामने आता है तो मुझे उस पर चिढ़ हो जाती है,
उस पर गुस्सा आ जाता है। अब जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की अपनी जिंदगी में डर डर कर जी रही है, तो मैं कैसे उसके साथ रह सकता हूँ और कैसे शादी कर सकता हूँ? लेकिन तुम्हारा डर देखकर, तुम्हारे अंदर जिन जिन का डर था, मैंने उन्हें वहीं पर बुला लिया। मैं चाहता तो उन्हें वहीं पर मार सकता था, लेकिन इसमें कोई मजा नहीं आता था। मैं उन्हें उन्हीं के गांव में उन्हीं के बीच में रहकर पागल कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें यहां आने पर मजबूर कर दिया। मेरे पास माँ बाप तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास होते हुए भी ना होने जैसा है, इसलिए मैंने उन्हें भी बुलवा लिया है। मैं उनके सामने रहकर तुमसे शादी करके दिखाऊंगा, उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हीं के साथ सारी जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हें मैं कहीं दूर नहीं ले जाना चाहता। दुश्मन के घर पर मैं राजा की तरह आया हूँ। मैं अपना मकसद पूरा करके दिखाऊंगा। हमारे दिल में इन लोगों का कोई खौफ नहीं होगा, बल्कि उनके दिल में हमारा खौफ होना चाहिए। और मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊंगा, तुम्हारी कसम। दुश्मन से अगर बदला लेना है तो इस तरह से लो कि उसकी रूह कांप उठनी चाहिए, और फिर कभी दुश्मनी करने से पहले 1000 बार सोचे। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों की शादी इन लोगों के सामने मैं कर दिखाऊंगा, और ये लोग हमारा बाल भी नहीं बाका कर पाएंगे। और ये मेरा तुमसे पक्का वादा है। अब बोलो आरती, मैंने गलत क्या किया? डरो मत, आ जाओ सर। आओ आरती आओ। क्या बात है सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? इसको तू बाहर क्यों लेकर आया? सर, इस गांव में लोग आपको देखकर वैसे ही डर जाते हैं, और ऐसी हालत में इस लड़की को घर में बंद रखना ठीक नहीं है। एक तो ये लड़की डरी हुई है, और ऊपर से आप उस पर अत्याचार कर रहे हो। एक लड़का लड़की को साथ में रखेंगे तो प्यार होगा ही ना? अगर दूर दूर रखेंगे तो प्यार कैसे हो सकता है? इस लड़की को कैद करके रखोगे तो क्या ये उसके सामने आएगी, या फिर वो लड़का उसे यहाँ से जबरदस्ती लेके चला जाएगा? क्या आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है? जरा सोचिए तो सही। आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो उससे जरूर बदला लूंगा। और ये सब होने के लिए हम सारे लोगों को बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। जैसे भी होगा सर, हम लोग उसे देख ही लेंगे। आप लोग बस मुझे इस काम की परमिशन दे दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे तरकीब से सारे काम करता हूँ। और हम लोगों को इसके माँ बाप को भी यहीं पर रखने की जरूरत है, प्लीज ऐसा कीजिए सर। इसके अलावा वो फॉरेन का आदमी इसके लिए बिल्कुल भी नहीं जमता सर। दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल बकवास लगती है सर। जबरदस्ती प्यार करने के लिए वो लड़की को हमेशा बोलता रहता है। अच्छा, हाँ, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो? पसंद करती हूँ तभी तो शादी के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपकी एक ही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, आपका औरतों के साथ बुरा सलूक। भगवान के लिए सर, आप इस पर कभी नाराज मत हो जाइए प्लीज। बिना परमिशन अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँ तो इसको सीधे वापस लेके जाता हूँ अंदर। ए, चलो तुम अंदर, चलो चलो अंदर चलो। रुको, चाहे तूने जान कर किया या अनजाने में किया, तूने बहुत अच्छा किया। तेरे कहने के मुताबिक जिस तरह लोग डरते हैं उन्हें वैसे ही हमसे डरना चाहिए। और तेज घर में जैसे चाहे वैसे रह सकती है। सुपर्ब सर, सुपर्ब सर। अब मुझे लग रहा है कि मेरी मनोकामना पूरी हो रही है। कौन सी मनोकामना? मतलब वो फॉरेन वाले के साथ दुश्मनी, मतलब बदला पूरा हो रहा है ना मेरा। वेरी गुड, थैंक यू। इस घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है सब अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। hey. ओ, आप यहाँ हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, बैठ जाओ। तू अकेला क्यों आया है? तेरा बाप कहाँ है? मेरा बाप गिर गया, इसलिए उसका पैर टूट गया, इसलिए उसका काम मैं संभाल रहा हूँ। सुना है जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली वो भाग गई थी? अरे बाप रे, यहाँ बैठकर फिजूल की बातें मत करना, नहीं तो तेरा सर फोड़ डालूंगा मैं। नहीं 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 सर, कोई बात नहीं, वो गांव वाले बोल रहे थे इसलिए मैंने भी बोल दिया। वैसे लड़की कहाँ है? सुधा, जाओ।
यहाँ कैसे? तुम हो क्या? तू इसे जानता है क्या? क्या शास्त्रे? तुम भी यही हो क्या राजा? मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा बे? तू इसे भी पहचानता है? इसने मुझे हैमस्टरडम में देखा था। इसने मुझे ही नहीं उसको भी देखा था। उसको किसको? जो बार बार आरती का पीछा कर रहा था वही। आरती के प्यार के चक्कर में मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तूने ही तो देखा था ना शास्त्री, सेम हाइट सेम वेट। कौन हो सकता है वो? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, वही ना जो तुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। करेक्ट पहचाना शास्त्री। क्या मालूम अब क्या करेगा। वो दिखने में कैसा लगता है? अब कौन सी भाषा में बताऊं? अरे तूने देखा था ना, उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा था यार। कौन? अच्छा हाँ देखा था मैंने। हाँ, उसने मुझे चैलेंज भी किया था, सुना था ना? हाँ सुना था मैंने। आरती के गांव में आके आरती को उठाकर शादी करूंगा ऐसा भी कहा था ना। साला अपनी गोटी फिट कर रहा है। हाँ ठीक बोल रहा है ये। ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ और है भी तो उसे खत्म कर डालूंगा। मैंने तुमसे कहा क्या? वो जो कह रहे हैं उसको ठीक करो। हमें इससे बात करो। सॉरी इनको ठीक करो। शास्त्री इसको मैं ठीक क्यों करूं? पहले उसने इसको मारा फिर इसने उसको मारा, आधा घंटा दोनों का झगड़ा चला, ये हार गया वो जीत गया। ठीक है तो धीरे धीरे ट्रैक चेंज कर रहा है। अरे चुप रहो ना, ये तुम्हें नहीं मार सकते तो उसे क्या मारेंगे? क्या शास्त्री, तो क्या मैं इन लोगों को मारूं? Yes. इन सारे लोगों को मैं अकेला मार सकता हूँ क्या? इनको मैं मार सकता हूँ क्या? अकेला कैसी बात कर रहे तू शास्त्री? अरे तू इन पे दया करेगा तो सामने वाला इनको मार देगा। तुम लोग उसे अपने अंदर की ताकत दिखाओ ताकि उन लोगों को पता चले कि तुम भी सामने वालों से ज्यादा पावरफुल हो, उनको मार के तुम भी टक्कर ले सकते हो। सच बोल रहे हो? मां कसम बोल रहा हूँ। फिर तो फायदा उठाना चाहिए। सर शास्त्री बिल्कुल सही बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है सर? मुझे भी लगता है ये ठीक कह रहा है। ओके ओके फ्रेंड्स, समझ लो कि मैं नहीं हूँ, मेरी जगह वो खड़ा है। ओके फ्रेंड्स। ओके गुड, सब आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ, इनकी कॉलर पकड़ो और शुरू हो जाओ। आइए रेडी कम ऑन। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? अब रुक जाओ 1 मिनट। हाँ वन मिनट। हेलो सर, मुझे मार कर दिखा। क्या सर आप भी? आप तो मुझे मार के दिखा। सर मैं ओके सर, जोर से मार। सर आपकी बॉडी देख के आपसे डर गया है वो। कोई बात नहीं, मार मुझे। क्या बोल बोल का मार खा रहे हो यार। अरे मार ना मुझे। अब ओके ना सर अभी। अरे मैंने कहा ना मुझे मार यार। ओके सर। अरे भाई क्या हो रहा है सब? अरे मेरे शेरो उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। सॉरी सर सॉरी सर, सबके मैंने आपको वो बनकर मारा सर। सर आप नाराज मत होइए, मैंने आपके घर में आप ही के लोगों को मारा। अरे इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग तुझे फॉरेन वाला समझकर लड़े और तू वही बनके इनको मारा। तुझ में अकल नहीं है क्या? समझ नहीं आता तुझे? सर इस नाजुक से बच्चे को क्यों डांट रहे हो? अपने इन कामचोरों को तो देखो सर, कैसे मार खा के मुंह उतार के खड़े। थू निकम्मे कामचोर कहीं के। अरे सर अगर ये इस आदमी को नहीं मार सके तो उस फॉरेन से आने वाले शेर को क्या मारेंगे? अरे तू बिल्कुल सही कह रहा है यार शास्त्री, मेरे में जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैंने इनको मारा, ये बात तो तय हो गई। और मैं आपको बता के रख रहा हूँ सर, वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं आपके लोगों को फाइटिंग की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था। बहुत ताकतवर है वो। सर मैंने आपके ही घर में आपके लोगों को मारा, लेकिन कभी वो यहाँ आकर आपके लोगों को मारेगा तो आपके प्रेस्टीज का क्या होगा? आप उस समय क्या करेंगे मुझे बताइए? क्या करेंगे? शरीफ आदमी की तरह हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। चलो यहाँ से। शास्त्री बेकार में मेरी पार्टी में मत घुसना, नहीं तो तेरा डेली यही हश्र होगा।
क्या टाइम आ गया है, सब लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है और खुद का ही राज चलाता रहता है। अरे माँ। हे भगवान, इतनी साड़ियों में से कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही। आरती देखिए साड़ी का कलर कितना अच्छा है, रिसेप्शन में यही पहन के आना, तुम पे बहुत जचेगी। जरा देखो देखो। मुझे पसंद नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? आरती ये हार देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो, देखो। मुझे ये भी पसंद नहीं। ये क्या सब चीजें फेंक रही हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें क्या करना है? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी? ये क्या कर रहा है पांडू? इसे मस्ती चढ़ गई है इसलिए तो ऐसा कर रहा है। वो क्या है ना कि अरे तू चुप करना यार, चल चल चल, तू मेरे साथ चल चल जल्दी, आजा इधर आजा। ये सब क्या है पांडू? आरती कौन है? एक सुंदर सी लड़की, कल तेरी पत्नी बनने वाली है या नहीं? हाँ हाँ, तो फिर उसे प्यार से मनाना चाहिए, और तू उसको मार रहा है यार। उसे अपने आप पे बहुत घमंड आ गया है, उस घमंड को तो प्यार में बदल दे। वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। अरे तो क्या हो गया? तो क्या करें? वो तेरे से प्यार करे ऐसा कुछ कर दे। बैंकों का नाम सुना है? हाँ सुना है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, वहाँ बीच है, पब है, शॉपिंग मॉल है, और सुन एकदम रोमांटिक प्लेस है। अच्छा उसको मुझसे प्यार करना चाहिए? बैंकॉक का उससे क्या संबंध है? सब लोग शादी के बाद हनीमून पर जाते ही हैं। तू एक काम कर, शादी से पहले हनीमून पर चला जा, उसे तुझसे प्यार हो जाएगा और वो तेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाती हुई चली आएगी। सुपर आइडिया है। और देख अब तेरी शादी के लिए कितने दिन बचे हैं? 10-12 दिन के लिए तू बैंकॉक निकल जा और वहाँ उसे अच्छे से शॉपिंग करा। चल निकल निकल निकल, तू निकल। थैंक यू अबे, थैंक यू वेरी मच। जा जा जा। बैंकॉक? हाँ भाई, हमने सोचा है हम और आरती हनीमून के लिए जाएंगे। हनीमून पर तो शादी होने के बाद ही जाते हैं ना? शादी के बाद तो सभी जाते हैं, ये नई वैरायटी है। नहीं पांडू। पर क्यों? क्यों सर, वहाँ आरती का बॉयफ्रेंड आकर सरे बाजार आपकी कुटाई करेगा, इसी बात का आपको डर है ना? है ना सर? डर किसका रे? अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो उसे मेरे सामने आने बोल। वो आ गया सर। क्या सर, किसका इंतजार हो रहा है? अरे मुझे क्या मालूम। क्या आप लोग सब इतना सीरियसली खड़े हो गए हो? दरअसल पांडू हनीमून के लिए जाना चाहता है। अच्छा तो सर उसको भेज दीजिए ना। ऐसी बात नहीं है सर, क्लाइमेट चेंज होने पर ऑटोमेटिकली आरती में भी चेंज आ ही जाएगा। हो सकता है आरती का दिल पांडू पे आ जाए, इसलिए भेज दीजिए। जाने दीजिए ना। ठीक है पांडू तू जा। और सर वो आए नहीं तो? सर शास्त्री जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इनके वहाँ जाने के बाद अगर उसने पांडू को कुछ नुकसान पहुँचा तो क्या करेंगे हम लोग? ठीक है शास्त्री तुम जाओ इनके साथ। मैं नहीं जाऊंगा सर, अगर वो पांडू के चक्कर में मुझे मार दे तो ऐसा करो आप अभय को भेज दो। ए शास्त्री मुझे और बहुत सारे काम है यार, मैं कैसे जा सकता हूँ रे? अभय, शास्त्री ठीक कह रहा है, तुम भी जाओ सर, अच्छा रहेगा। अगर आप लोग मुझे इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, मैं चला जाता हूँ। शास्त्री तूने तो मौका देके चौका मारा है। ए पांडू हाँ चल चलते हैं। क्या जगह है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज गिव मी 4 rooms। या चार रूम किस लिए? चार लोग हैं तो चार ही रूम चाहिए ना। मैं और आरती तो एक ही रूम में रहने वाले हैं। ऐसा क्या? पांडू पहले तुम किस रूम में रहते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ? लास्ट में तुम दोनों एक रूम में रहते हो या नहीं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा क्या? उसके बाद तो होगा धमाल। प्लीज गिव मी 4 rooms। ओके वन सीरीज। या थैंक यू, इनमें काम बन जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चल पांडू दोनों साथ जिएंगे साथ मरेंगे यही सोच के इस दुनिया में आए लगता है। अबे क्या बोल रहा है तू? किसी और के पैसे से कोई और ऐश करे ये कभी सुना है ना? तू क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, मौसम्बी का छिलका छील के मुंह में रखने वाली बात है ये। मतलब? मतलब हनीमून का मतलब क्या होता है, रोमांस का मतलब क्या होता है, बैंकॉक में बाहों में बाहें डाल के चलना क्या होता है, वो सब तेरे नसीब में कहाँ है, वो सब तो मात्र मेरे नसीब में है। मेरे अजीब आदमी है, क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। पांडू? हाँ भाई। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई। आरती कहाँ पर है? बाजू के रूम में है। क्या अलग अलग रूम में हो? पहले दिन साथ में रहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लास्ट में साथ साथ रहते हैं कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है। अपना मुंह बंद कर और वो देख इस वक्त कहाँ पर है। जाके ए मैं जो बोल रहा हूँ कर। क्या करूँ,
मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कह रहा हूँ वही कर। हाँ बताइए ना। सुनो, ऊंच नीच ना हो जाए उस पर नजर रखो। बैंकॉक भेजने का मेरा इरादा नहीं था। वो तुम्हारा शत्रु कभी भी आकर उसको बैंकॉक से उठाकर ले जा सकता है, इसलिए उस पर पूरी नजर रखो। आरती भी बहुत चालाक लड़की है, किसी पर विश्वास मत करना। टाइम वेस्ट मत करो और जाकर देखो। ठीक है भाई। समझो, मैं समझा कि आरती का रूम है इसीलिए मैं अंदर आ गया। हाँ, ये आरती का ही रूम है। हाँ, ये आरती का रूम है। तो आरती कहाँ गई? वो मेरे रूम में गई है। वो तेरे रूम में क्यों गई? उधर अभय भाई है ना, इसलिए। क्या अभय तेरे रूम में है? अभय तो दूसरे रूम में था। हाँ, चल दिखा। अरे चल ना, चल ना, चल 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 सुन तो सुन। ये क्या है शास्त्री? बैंकॉक में चल रहा है एक छोटा सा मौसम। मतलब? रोमांस। रोमांस? हाँ। ये तो मुझे करना चाहिए था, वो क्यों कर रहा है? इसलिए तो तेरे बदले वो कर रहा है। अरे बात सुन, तेरे बदले वो पूजा कर रहा है, वो प्यार का पुजारी है। पुजारी? ये किस टाइप की पूजा है यार? आराम से देखना, आरती को वो अपने बस में कर रहा है, आवाज मत करना। बस में कर रहा है मतलब? आंखों में आंखें डालकर दूसरी दुनिया में जाना, दो शरीर में रहकर एक हो जाना, मतलब कनेक्टिंग टू लवर्स। किसी को बस में करने का यही सही तरीका है, सही है ना राजा? ए शास्त्री, ये लोग क्या कर रहे हैं? होटो से होटो का संदेशा भेज रहे हैं। अब है आरती को क्लब में, पब में, बीच में, डिस्कोथेक में घूम घूम कर डुएट गाने के लिए तैयार करने वाला वशीकरण मंत्र पढ़ रहा है। फिलहाल इनको छोड़ देते हैं, चलो हम चलते हैं। इसी गम में दो दो पैग लगाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे राजा, आ जाओ। सोचना क्या, जो right. देखा जाएगा कल के लिए आज को। ए शास्त्री, ए चल भाग यहाँ से, पता नहीं बैंकॉक में कहाँ कहाँ से भिखारी लोग आ जाते हैं। ए शास्त्री, अच्छा तुम हो? हाँ मैं हूँ। आरती किधर है? आरती अभी तक तो यहीं पर थी, जस्ट गई है। ये क्या तमाशा बना रखा है? मैं यहाँ पे आरती के प्यार के खातिर आया हूँ और वो किसी और से? ये फालतू बात तुझे किसने बताई? प्यार तो तू ही कर रहा है मेरे राजा, वो तो बस प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ, प्रैक्टिकल तो तू ही करेगा। कहाँ गए वो लोग? वो उधर। कम ऑन डार्लिंग। यू नॉट ठीक। जगह देखो, कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ बहुत खूबसूरत है। ए, कौन है रे तू? जैकी चैन। जैकी चैन? अरे डब्बे, मेरी ही आइटम को बैंकॉक लेकर आता है। ए, मैं तुझे और तेरे भाई को, और वो तेरा दोस्त है ना अभय, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा,
भाइयों तक क्यों जा रहा है, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। हिम्मत है तो मुझसे लड़ ले, आ जा। तुझे रोज नए नए गेटअप में आके परेशान करूंगा। आरती चाहिए तुझे, आरती। आरती तो सिर्फ मेरी है, और ये बात तू उस अभय को भी जाकर बता देना। पांडू, क्या हुआ पांडू? वो आ चुका है भाई। कौन आ चुका है? जैकी चैन। जैकी चैन? नहीं नहीं, आरती का लवर। आरती का लवर तो यहीं पर है ना। कहाँ है? मेरा मतलब तू है ना यार। मैं हूँ। ओहो पांडू, कितना खून निकल रहा है तुझे, किसने मारा इतना? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हुआ। अरे नहीं, वो मुझे मार डालेगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तू उसके बारे में बहुत सोच रहा था, शायद इसीलिए वो तुझे हर जगह दिखता है। वो यहाँ आके तुझे क्यों मारेगा? वो तो हैम्स्टरडम से यहाँ फ्लाइट से आया होगा। आहा, तेरे बोलने का मतलब ये है कि वो गारंटी के साथ आरती को उठाकर ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, आरती सिर्फ मेरी है। अगर तुझे आरती चाहिए तो उसे यहीं पर फिनिश करना होगा। मारना ही पड़ेगा उसे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि वो रोज नए नए गेटअप में आता है ना। ये बात तुझे कैसे मालूम? अरे जब तू होश में नहीं था तभी तो ये बात बोल रहा था। क्या मैं नहीं बोला था? इसके बाद आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं और शास्त्री हमेशा तेरे साथ ही रहेंगे। भाई ये बात तो ठीक है, लेकिन वो अलग अलग गेटअप में आएगा तो उसका क्या करेंगे? हम लोग कोड वर्ड में बात करेंगे। गुड आइडिया। ओपन सिम सिम, ये सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना। इस कोड वर्ड को अच्छे से याद रख लेना। हाँ बिल्कुल सही है, ये कोड वर्ड हम तीनों को ही पता होना चाहिए। आरती को क्यों नहीं? पांडु तू बहुत ही रोमांटिक है यार। मैं अभी आरती के रूम पे जाके आऊँ क्या? जाऊँ? हाँ जाओ 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 जाओ। वो तो चला गया, अब तुम यहाँ पड़े रहो, पढ़ो। मुझे लगता है तुम्हारे ये जख्म ठीक होने में 2 days नहीं 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। बैंकॉक आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बात तुझे बेंगलोर में ही सोचनी थी ना, अब चुपचाप पड़ा रहे, इसको अपने बाजू में रख। ये भी साला अच्छा बेवकूफ बना के गया। आरती कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत मजेदार लगा। अब है हा? तुम मेरे साथ ऐसे ही जिंदगी भर रहोगे ना? आरती ये सब बातें तुम क्यों कर रही हो? मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। जो कुछ भी हुआ वो सब मेरे लिए सपने की तरह था। लाइफ इज ब्यूटीफुल, और हमें जिंदगी को एक सपने की तरह ही जीना चाहिए। अब है जो कुछ भी तुम कर रहे हो उससे मुझे खुशी तो मिल रही है, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आरती, when Abhay is here, why want to worry? ओह, टाइम हो चुका है। किस चीज का? अभी पार्टी को मारने का टाइम हो चुका है। अब जो मार उसे मारूंगा ना, उसे वो सपने में भी नहीं भूल सकता। मैं अभी आता हूँ। हाँ।
on, Sim Sim. हमारा कोड वर्ड तुझे कैसे पता चला? इससे मालूम पड़ा, यह है माइक्रोफोन, तुम जो भी बात करोगे मुझे मालूम पड़ता रहेगा। ए साला, इस तरह से कोड वर्ड रखकर तू क्या मुझसे बच जाएगा सोचा? हाँ, ये तेरा डब्बा आइडिया मेरे को नहीं अभय को जाके समझा, उसको भी मैं खत्म कर दूंगा। जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसका तो रेप करने चला जाएगा। ए तेरी तो। क्या रे, तू क्या सोचता है तेरे गांव वाले तुझसे डरने चाहिए क्या? तो आजा। सुन, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, मेन पिक्चर जो है ना वो तेरे भाइयों के साथ दिखाऊंगा। कौन आ गया? भागो। अभी आता हूँ। अरे 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 क्या हुआ तुझे? आरती का लवर इधर आया था, मुझे मारा उसने। आरती का लवर? तो फिर तुमने दरवाजा क्यों खोला? उसने हमारा कोड वर्ड बताया तो हमने दरवाजा हाँ? खोला। क्या उसे कोड वर्ड पता चल गया? क्या उसे कोड भी मालूम पड़ गया? हाँ हाँ, हम लोग इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। क्या पांडू, अभी अभी तो आरती तेरे नजदीक आ रही है यार। अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो मुझे मार डालेगा, मार डालेगा, मुझे मुझे मार डालेगा। पांडो, एक काम करते हैं, मैं रूम के अंदर सो जाता हूँ, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तेरे से क्या होगा, साक्षात भगवान आ गए तब भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। पांडू, एक बार सोच के देख। नहीं शास्त्री, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे मरना नहीं है। एक बार सोच के। नहीं नहीं शास्त्री प्लीज, मुझे जाना, मुझे रुकना बिल्कुल नहीं, मुझे मरना। मेरी बात तो सुनना। नहीं भाई, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। शास्त्री मेरे साथ चलो या मुझे भेज दो। शास्त्री, अब है मैं किसी को भी मार सकता हूँ लेकिन उसे नहीं मार सकता। अब है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इनविटेशन कार्ड की डिजाइन कैसी है अंकल? आपने फाइनल कर लिया तो अच्छा ही होगा, इसमें भला मेरी राय की क्या जरूरत है? क्या अंकल, कुछ अपने विचार भी रखिए। वक्त के साथ साथ बदल जाना ही अच्छा है। भाई 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 पांडू, क्या हुआ पांडू? क्या हुआ पांडू? आया था, क्या हुआ पांडू? क्या हुआ, क्या हुआ पांडू? वो वहाँ पर भी आया था। बोल क्या हुआ, क्या हुआ? आया था, बता मुझे। क्या हुआ? जैकी चैन। जैकी चैन? हाँ, वही फॉरेन वाला पार्टी, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, उसने मुझे डरा दिया है। अभय, हाँ? तूने उसको नहीं देखा सर? मैं तो वो हेलो, वो नारायण भगवान की तरह भेष बदल के आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे उसको? भाई, वो मेरे ही रूम के अंदर आकर के मुझे ही मारता। तबीयत ठीक नहीं लग रही, तू पर जा, मुझ पर जा, डर लग रहा है भाई। चलो 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 जा, मुझे बहुत डर लग रहा है भाई, मुझे बचाओ। देख लिया शास्त्री, जिस रूम में वो आरती को बंद रख रहा था अब उसी रूम में वो अपने भाई को बंद कर रहा है। दैट इज टाइम यार, तेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है भाई। इनविटेशन, ओहो क्या डिजाइन है, क्या कलर है, ओहो। अब इसके आगे क्या प्लान है जरा ये भी तो पता चले। कार्यक्रम क्या है तेरा? नमस्कार। नमस्कार, आइए अंदर आइए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काट दो। परसों मेरे भाई की शादी है, आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है आऊंगा। ये लड़की किसी दूसरे के साथ शादी कर रही है क्या? दूसरे के साथ? जी हाँ, सुबह एक लड़का आया था, वो भी शादी का कार्ड दे गया। वो कार्ड दिखाना जरा। एक मिनट। ये लीजिए सर। Bad,
आरती आपके भाई से शादी नहीं कर रही है क्या? यह बात तुम्हें किसने बताई? हमने सुना है कि आरती आपके भाई से शादी नहीं कर रही। वो लड़की आपके भाई से शादी नहीं करना चाहती, मैंने सुना है। उसने बोला और तुमने मान लिया। गांव के मंदिर में हमारी शादी है, आपको आना ही होगा, मेहरबानी करके आइए। तुम मेरा मजाक कर रहे हो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तमाशा बना कर रख दिया मुझे। छोड़ दो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। क्या यार, तुम लोगों को देखकर गांव वाले हंस रहे हैं क्या? तुम लोगों को देखकर सिर्फ हंसेंगे ही नहीं, बल्कि तुम लोगों पर अब थूकेंगे भी। अब देखता जा आगे आगे क्या होता है। आरती की शादी तो मुझसे ही होगी। और एक जरूरी बात सुन, ये फोन कहाँ से आया? इस बात की इन्वेस्टिगेशन में मत लग जाना। पता है ये फोन किसका है? तुम लोगों ने एक एसआई का जो हाथ काटा था ना, मैं वही, उसी के अंदर से निकला हुआ नया हाथ बोल रहा हूँ, समझा? क्या है ये सब? हम उसके बारे में बहुत लापरवाही बरत चुके। वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है, इसलिए हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जाए, चलो रे, ढूंढना शुरू करो। सब जगह ढूंढो उसको। अगर उसकी जगह कोई और आ जाए तो उसे भी काट डालो। वो तुम्हें नहीं मिलेगा, चाहे तुम जितनी लाख कोशिश कर लो। पांडू। हाँ भाई, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप सब लोगों के सामने यहीं पर आकर के मुझे मार डालेगा, इसलिए मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी है। वो यहीं आस पास है, मुझे फुटबॉल समझ के मारता है। ये तू क्या बोल रहा है पांडू? मुझे नींद नहीं आ रही भाई, अब तो टॉयलेट जाने के लिए भी डर लगता है। पता नहीं कब मारेगा, कैसे मारेगा, कहां मारेगा, कौन सा रूप लेकर के मारेगा, ये सब बातें मुझे बहुत डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं मुझे। ए पांडू, ऐसी बातें मत कर, लड़कियों की तरह मत डर, उसको मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। तुम लोग उसे मारो, काटो, छोड़ो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। आज से मैं तुम्हारा भाई नहीं। भाई जैकी चैन, तूने मेरे शर्ट की बटन में, पैंट की जिप में अगर माइक्रोफोन लगा रखा है तो ध्यान से सुन लूंगा। मैं आरती से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, ध्यान से सुन लेना। मैं आरती से कभी शादी नहीं करूंगा। अब खुश हो ना भाई जैकी चैन, मैं अब कभी उससे शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप लोगों ने उस दिन क्या कहा था कि यहाँ पर रावण का शोका बना हुआ है? यहाँ केवल रावण राज चलता है, यहाँ राम के आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेरा राम यहाँ पर आ चुका है। कल मंदिर में मेरी शादी है, आप लोगों को आना है। आप लोग जरूर आइए। ये लीजिए इनविटेशन कार्ड। अबे इधर आना। तो क्या बात है सर, आप लोग इतना टेंशन में दिख रहे हैं। अबे जी, तुम्हें आरती से शादी करनी होगी। मेरी शादी? हाँ, तुम पांडू बहुत डर चुका है। तुम इस शादी के लिए मना मत करना। अगर ये शादी नहीं हुई तो कल ये गांव के लोग हमारे साथ कुत्तों से भी ज्यादा बुरा सलूक करेंगे। और हाँ, अगर ये शादी हो गई तो वो फॉरेन वाला भी नहीं आएगा। आरती की शादी होगी, जरूर होगी, और वो फॉरेन वाला भी आएगा, और मैं उसका गला काट कर उसे मार डालूंगा। सर, आपका प्लान तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके भाई की जगह पर अगर मैं रहूं तो उसको शक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, ये राज हम तीनों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। वो कैसे? हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि हम दूल्हे को ऐसा सजाते हैं कि उसका मुंह दिखाई नहीं देता और कोई से पहचान नहीं सकता। अच्छा, तो तुम लोग मुझे अपने भाई की जगह पर बिठाओगे और वो फॉरेन वाला आकर मुझे मार देगा, और फिर जब वो आकर मुझे मार देगा तो फिर आप लोग उसको मार डालोगे, यही प्लान है ना सर आपका? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग तेरे बाजू में खड़े रहेंगे बॉडीगार्ड की तरह। अगर वो तुझे हाथ भी लगाएगा तब उसे मार डालेंगे। उसको पहचानने वाला तो तू ही है ना, और फिर तुझे उस आदमी से बदला भी तो लेना है ना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जब आप लोग मेरे साथ हो और शादी के समय आप लोग मेरे बाजू में बॉडी बिल्डर की तरह खड़े रहोगे तो मुझे किस बात की चिंता हो सकती है। आई एम रेडी। वेरी गुड। Hmm.
ओ भाई, हाँ? तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मैं अभी 5 मिनट में रेडी हो जाता हूं। वहीं जाकर तैयार हो जाना, एक जरूरी बात करनी है। चलो चलो। चलिए। अभय, शादी के मंडप में न ले जाकर मैं तुझे यहां लेकर आ गया, तुझे आश्चर्य हो रहा होगा। वो देखो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ गया? इस सोच में पड़ गया है ना तू? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। क्यों बेटा, सब तैयारियां ठीक से हो रही ना? बहुत खुश होगी ना बेटी तुम, अभय के साथ तुम्हारी शादी जो हो रही है। खास बात यह है कि वो फॉरेन पार्टी भी अभय ही है, ये बात उन लोगों को पता ही नहीं है, और वो पांडू की शादी तुमसे हो रही है ये सोच के खुश हो रहे हैं। पता है, मेरी जो इच्छा थी ना वो पूरी हो रही है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। ये सब तो भगवान की कृपा है। सुनो, अभय नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं आता हूँ अभी। श्याणे, हमारे बीच में रह करके, हमारे ही घर में रह करके हमें धोखा देता है, हैं? शाबाश बेटा, इतनी देर तक मैं
इन लोगों के हाथों मार खा रहा था, इसलिए क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि तुम में से कोई भी मुझे मार खाता हुआ देखकर बचाने के लिए हिम्मत करके आगे आ रहा या नहीं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे गुंडे रौब झाड़कर अपना हक जमा लेते हैं, देख लिया ना? तुम जैसे गुंडों को डराने के लिए एक बच्चा आगे आ गया, इतना मेरे लिए काफी है। मैंने उस दिन जैसे कहा था, तुम लोगों के घर पर, तुम लोगों के ही सामने मैं आरती को उठा ले जाऊंगा। अगर तुम लोग सचमुच अपने बाप की औलाद हो तो मुझे रोक कर बताओ। हे, देख क्या रहे हो तुम लोग, मारो इसको, क्या सोच रहे हो? आ जाओ। Oh!